दोस्तों एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरे पास गाड़ी है एक्सेस BS4 का मॉडल है। ये BS4 का मॉडल है, इसके अंदर तकरीबन गाड़ी हेडलाइट नहीं चालू था अभी तक, और कोई मैकेनिक को दिखाए थे भाई, तो मैकेनिक बोला कि चालू तो हो रहा है लाइट लेकिन बंद हो रहा है, और इसके अंदर तकलीफ हो गई था कि लूज कॉन्टेक्ट था, लेकिन मैकेनिक को समझ में आया नहीं कि रात को गाड़ी किधर रास्ते में बंद पड़ गई। तो लोगों ने बैटरी वैटरी चार्ज किए और बैटरी वैटरी चार्ज करके फिर लेके आए, और अभी भी गाड़ी ठीक से स्टार्ट हो रही है लेकिन कभी कभी हो रही है। तो मेरे पास सर्विस में आई थी गाड़ी, अब ये गाड़ी चालू किया, लाइट भी चालू हो गया, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा फॉल था। लाइट अभी रेस मारते ना तो गाड़ी बंद हुआ, जैसे गाड़ी को रेस मारते हैं तो लाइट भी बंद हो जाता है और गाड़ी भी बंद हो रही है, गाड़ी भी पूरा झटका मार रही है। ये गाड़ी है ना पूरा ये झटके मार रही है, तो झटके के चक्कर में ये लोगों ने एक पलक डाला हुआ है, पलक अच्छा है तो इसका फॉल्ट कहाँ से, हेडलाइट वगैरह मैंने खोला नहीं, इस पोजिशन पर चार्जिंग भी नहीं बता रहा था। और ये गाड़ी है DC, आप लोगों को तो मालूम ही है, और DC रहेगा बैटरी का सप्लाई तो रहेगा जब तक गाड़ी स्टार्ट रहेगा, चार्जिंग नहीं मिलेगा उसके बाद में गाड़ी बंद हो जाएगी, तो तकलीफ कहाँ से हुआ। ये तकलीफ आप लोगों को दिखा दी तो ये आ रहा ना, अभी भी लाइट चालू है इधर, ये लाइट दिखा देता हूँ, ये लाइट चालू है लेकिन इसका जो माइनर से वायर निकला है, मैंने गाड़ी सर्विस के लिए खोला था तो यहाँ पे वायर दिखा दूँ, तो ये जल गया पूरा, ये सॉकेट में से जला हुआ है। और इसको अगर निकालूँ, इसको निकालूँ तो अभी ये पिघला हुआ दिख रहा है, ये पूरा पिघल ही गया, इसके अंदर से निकल भी नहीं रहा है, ये लूज कॉन्टेक्ट के हिसाब से गर्म हो गया और गर्म होने के बाद से जल गया, अभी ये सॉकेट भी निकल नहीं रहा है। इस वायर को अभी काट के दूसरा ही क्लिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बगैर अगर जलेगा नहीं, ये वायर काफ़ी जल चुका है, और इसके पीछे से हल्का सा पकड़ा था, और ये मैकेनिक कोई परेशान था कि लाइट चालू हो रहा है बंद हो रहा है, तो चालू बंद होने का तो है ही, लेकिन ये गाड़ी DC है, अगर माइनर का करंट बैटरी को नहीं जाएगा, चार्ज नहीं करेगा तो गाड़ी बंद होगा, लेकिन बीच में बैटरी को चार्ज किए गाड़ी यहाँ तक तो आ गई, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद से वापस अभी गाड़ी भी बराबर से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये वायर को अपन जॉइंट करते हैं, इसके अलावा कुछ तकलीफ था ही नहीं, ये वायर देखो तो जल चुका है, ये तो क्लिप चल जाएगा लेकिन इसको भी दूसरा क्लिप डालना पड़ेगा। दोस्तों ये क्लिप मैंने लेके आ गया, क्लिप आप देख सकते हैं वीडियो में जल गया पूरा, ये लूज कॉन्टेक्ट के हिसाब से ये जलता है, बाकी अगर टाइट रहेगा जलेगा नहीं। तो अभी इसको यहाँ पे अपन जॉइंट करेंगे, जॉइंट करके थोड़ा सा सोल्डरिंग का टाका भी मार दूंगा, नहीं तो क्या बिना टाके का नहीं जमेगा। दोस्तों अगर कभी ये ऐसा लूज कॉन्टेक्ट की बीमारी हो ना, तो इसे वायर को छील देने का और यहाँ पे डाल देने का, और डाल के अगर फिटिंग करते हैं तो क्या होगा, कभी लूज कॉन्टेक्ट नहीं होगा, लूज कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो जलने का बीमारी भी नहीं रहेगा, लूज कॉन्टेक्ट के हिसाब से होता है ये। अभी गाड़ी फाइनली स्टार्ट किया और लाइट भी इसका बढ़ गया, पहला कम आ रहा था ज़्यादा आ रहा था, कभी चालू बंद हो रहा था, और उस टाइम पे गाड़ी जब तक बैटरी में जान था, जब तक गाड़ी चला बैटरी डाउन हो गया गाड़ी बंद, फिर बैटरी को चार्ज करना पड़ा, चार्ज करने के बाद से चला, लेकिन अभी बैटरी में डाउन हो रहा था तो गाड़ी तो काफ़ी बंद हो रहा था और गाड़ी झटके भी मार रही थी, और उसके चक्कर में तो स्पार्क प्लग भी डाल दिया हुआ किसी ने, तो मतलब ये पलक का मिस्टेक है, गाड़ी झटका मार रही थी। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।